गंगा की बाढ़ से जनपद संभल के गांव रघुपुर पुख्ता में बाढ़ का पानी पहुंचा। गंगा की बाढ़ से सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया पानी संभल के गांव तक पहुंच गया है। गंगा बैराज पर अब तक सबसे ज्यादा 2,28,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ किया दौरा। नरोरा बैराज से पास हो रहे हरिद्वार के 3.25 लाख क्यूसेक पानी के बाद संभल जिले के गांव रघुपुर पुख्ता के नाले में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी गांव के गली गलियारों में पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। उधर उफनाई गंगा से इस गांव की सैकड़ों बीघा फसल और जमीन जलमग्न हो गई है। तेज रफ्तार से पानी गाँव के जंगल में आ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए संभल के जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जनपद स्तरीय अधिकारी के साथ उन इलाकों का दौरा किया जहां पर बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया है। बाढ़ है रघुपुर में सर, और इसके अलावा इधर भी क्षेत्र में पानी है। क्या क्या है मामला, क्या स्थिति है सर? देखिए, पिछले 2 दिन पहले उत्तरांचल में करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया था, जिसके कारण जो डाउन स्ट्रीम है उन जनपदों में गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई थी और अचानक से जलस्तर बढ़ गया था। अभी अपने यहाँ भी जो इस समय संभल जनपद के चुनावी ब्लॉक के हम लोग रघुपुर पुख्ता गांव में आए हैं, ये पहले से भी बाढ़ क्षेत्र में से प्रभावित होने वाले गांवों में शामिल रहा है। और अभी जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस गाँव के भी जो खास करके खेत है, जो फसलें लगी हुई हैं उनमें थोड़ा पानी आ गया है गंगा नदी का, परंतु अभी जो गांव की मुख्य आबादी है उसमें पानी नहीं आया है। लेकिन हम सभी लोग जो है जनपद के सारे अधिकारियों के साथ हम लोग आज इस गांव में विजिट कर रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी हम लोग ने संबंधित अधिकारियों ने गांव में विजिट किया था और गांव वालों को भी अलर्ट किया गया है। इसके अलावा भी जो और समीपवर्ती गाँव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होने की जहाँ संभावना रहती है, उन गाँवों में भी हमारे गुन्नौर के उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और बाकी संबंधित अधिकारियों ने भी आकर के गांव वालों को अलर्ट किया कि बाढ़ आने की स्थिति में वो अपने को यहां से दूसरे सुरक्षित स्थान पर, जो आश्रय स्थल बना है और शेल्टर के रूप में काम आता है जो विद्यालय, उनमें अपने को शिफ्ट करेंगे और अपने पशुओं को भी ले जाएंगे। आज पुनः इस गाँव में हम लोगों ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ, जिसमें कि उप जिलाधिकारी के साथ खंड विकास अधिकारी, पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं वो, और जिला विद्यालय निरीक्षक आदि सभी अधिकारियों के साथ हम लोग आज इस गांव का विजिट कर रहे हैं, जिससे कि गांव वालों को बाढ़ की स्थिति अगर बनती है तो कोई असुविधा ना हो, उनको और उनके पशुओं को यहाँ से विस्थापित करने में जहाँ पर शेल्टर बनाए वहाँ पर उनको एक सुविधाजनक शेल्टर मिल सके।